दीवारों में क्रैक्स आते ही इस वजह से हैं क्योंकि घर के नीचे जमीन को कॉम्पैक्ट नहीं किया गया होता। लेकिन असल में जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप बुनियादें और कॉलम्स। वालेकुम दोस्तों, मैं बिलाल जफर शो से आज आपके लिए एक इंतहाई इन्फॉर्मेटिव और डिफरेंट टॉपिक लेकर आया हूँ कि जब आप नया घर बनाते हैं, ये वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले कभी घर नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम घर बना रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो उनको इंपॉर्टेंट टिप्स चाहिए घर बनाने के मुतालिक। मैं खुद भी एक सिविल इंजीनियर हूं और मेरे वालिद साहब का भी तजर्बा है कंस्ट्रक्शन का, उस रेफरेंस से मैं आपको चंद इंतहाई इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन टिप्स देने वाला हूं इस वीडियो में। तो कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर पार्ट में मैं किसी ना किसी यूनिक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। फिलहाल मैं आपको गाइडेंस दूंगा सिर्फ चुनाई के बारे में क्योंकि चुनाई एक पूरी स्टेज होती है कंस्ट्रक्शन की जिसमें उसका स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है, चुनाई और कॉलम हो रहे होते हैं, ऊपर लेंटर डलता है। बाद में मैं आपको फिनिशिंग स्टेजेस के बारे में भी टिप्स दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको चुनाई के बारे में इतना इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ। पूरी वीडियो एंड तक देखें और जल्दी से इस वीडियो को थम्स अप दे दें। आज का टारगेट है 2000 लाइक्स का। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप भी लाइक कर दें, और अगर आप देख रहे हैं कि 2000 लाइक्स हो चुके हैं तब भी लाइक कर ही दें। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। व्यूअर्स, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं घर से कि ये 5 मरले का घर है, अभी इसका ग्राउंड फ्लोर बन रहा है, हम पोर्च के रास्ते से जाते हैं। पहले मैं आपको सारी स्पेसेस दिखा दूंगा, जैसे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा कमरा है, किस तरह का नक्शा है, वो थोड़ा सा आप जहन नशीन कर लें, उसके बाद मैं आपको टिप्स दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये हम ड्राॅइंग रूम के रास्ते से एंटर हुए हैं, ड्राॅइंग रूम के साथ में ये पाउडर रूम बनाया हुआ है जिसको बाथरूम भी कहते हैं। मैं आपको बाथरूम दिखा दूँ, ये बाथरूम अटैच्ड, कुछ लोग नहीं बनाते, बना ले तो ज़्यादा अच्छा है ड्राइंग रूम के साथ भी। ऊपर देखें मेन डोर के ऊपर बीम बनाई हुई है, ये बीम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि उनसे ऊपर की चुनाई का सारा वज़न उनके ऊपर आ रहा होता है, चुनाई का भी और लेंटर का भी। ये देखें, ये एक कमरा है मास्टर बेडरूम जिसको कहते हैं। मास्टर बेडरूम से आप पीछे की तरफ पिछले सहन को एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ पर लॉन्ड्री एरिया है और साथ ही उसके अटैच्ड बाथरूम है। ये दूसरा बाथरूम है, दोनों कमरों के दरवाज़ों से आप लॉन्ड्री एरिया में जा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी फैसिलिटी हो जाती है क्योंकि कई इस तरह के नक्शों में मैंने देखा है कि एक ही कमरे से पिछले सहन को रास्ता देते हैं। ये किचन एरिया है, क्योंकि मैं खुद भी एक सिविल इंजीनियर हूं और मेरा कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस भी है, पाकिस्तान का भी, दुबई का भी, दुबई में काफ़ी सारे विलाज मैंने बनवाए हैं, तो अगर आप कोई घर बनवाना चाहते हैं, आप कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस सिलसिले में। अगर आप मुझसे घर बनवाना चाहें तो याद रहे कि मैं सिर्फ रावलपिंडी या इस्लामाबाद एरिया में काम करता हूं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं स्क्रीन पर शो भी कर देता हूं। इस पर आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करें, इस पर कॉल मत कीजिएगा, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। ये देखें, ये किचन एरिया है, किचन एरिया में वो ऊपर एग्जॉस्ट है, ये विंडो है, विंडो के ऊपर आप देखें बीम गई हुई है, बीम भी है और साइड पर कॉलम भी है, इस साइड पर भी कॉलम है। ये फिर इसके साथ ही अटैच्ड रूम है, रूम के साथ देखें जो वॉशरूम है, वॉशरूम के ऊपर भी इन्होंने स्पेस दी हुई है ताकि कोई स्टोरेज कर सकें, बाद में मतलब कोई बॉक्सेस रख सकता है, सर्दियों या गर्मियों के कपड़े रख सकता है अंटिल नेक्स्ट सीजन, तो उसके लिए वो बॉक्स उन्होंने बनाया है, ऊपर स्पेस दी है, क्योंकि वॉशरूम के हेड के ऊपर वाली जगह तो यूजलेस होती है, तो वो अच्छा है अगर आप इस तरह का कुछ बनवा लें, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर वाटर प्रूफिंग ज़रूर करें ताकि आपके कपड़े ख़राब होने से बचें। यहाँ पर देखें वॉशरूम के ऊपर भी इन्होंने बीम दी है थ्रू आउट, यहाँ से भी जा रही है, वहाँ से विंडो के ऊपर भी इन्होंने दी है। ये सारी दरवाजे की चौखटें इसको इंश्योर करें कि ये प्लम्ब में हो, प्लम्ब का मतलब है बिल्कुल सीधी हो, साल में हो। आप डायगनली इनकी मेजरमेंट्स चेक करें क्योंकि ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इस स्टेज पे अगर ये सीधे नहीं लगेंगे तो बाद में दरवाजे आपके जब लगाएंगे भी तो दरवाजे एक जगह खड़े नहीं होंगे, या तो खुल जाएंगे या हमेशा वो बंद ही रहेंगे, तो आप अपनी मर्जी से दरवाजों को एडजस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि इनको आप बिल्कुल सीधा लगाएं।
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ कि सारी की सारी दीवारों का ठेकेदार को पैसे पे करने से पहले दीवारों का साल चेक करें। ऊपर से एक मिलती है बुलबुल, उसको कहते हैं, ऊपर से आप लगाते हैं, नीचे से वो लटकती है। आप सारी दीवारों का प्लम्ब चेक करें कि वो बिल्कुल सीधी हैं। चुनाई के स्टेज पर अगर दीवारें सीधी नहीं होंगी तो कल को जब आप प्लस्तर करेंगे उसमें आपको वो ऐब छुपाना पड़ेगा। प्लस्तर कहीं से मोटा होगा, कहीं से पतला होगा, वो चीज़ भी सही नहीं होती। और ना सिर्फ चुनाई करने के बाद आप साल को लगाकर प्लम्ब को चेक करें, बल्कि प्लस्तर के बाद भी आप प्लम्ब को चेक करें। उसी तरह बुलबुल को लटकाकर एक एक दीवार के साथ आप चेक करें कि सारी की सारी वॉल्स प्लम्ब में है। प्लम्ब का मतलब है बिल्कुल सीधी है। सीधी नहीं होंगी आपकी घर की खूबसूरती भी ख़राब होगी, दीवार यूं जा रही होगी और उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। अब आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। देखें वॉशरूम इन्होंने इस तरह से बनाया है। यहाँ पर इन्होंने इसकी, देखें आपको मैं वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ। वॉशरूम का रोशनदान ये है, कमरे की खिड़की ये है और उस वॉशरूम का रोशनदान वो है। मतलब तीनों एरियाज की वेंटिलेशन हो गई। साथ ही में ये जो गैलरी एरिया है यहाँ पर, आप यहाँ पर ये जब बन जाएगा तो यहाँ पर लॉन्ड्री होगी या कपड़े धोने की जगह है। इसी तरह से इस कमरे की का दरवाजा यहाँ पर खुलता है अटैच्ड रूम का, उसकी भी वेंटिलेशन हो जाएगी। हर कमरे में ज़रूरी है आप वेंटिलेशन करें। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपका कॉर्नर घर नहीं होता, दो घरों के बीच में घर होता जैसे ये है, लेकिन फिर भी आपको ये इंश्योर करना होता है कि हर कमरे की वेंटिलेशन हो। ये किचन है तो किचन की वेंटिलेशन एज पोर्च की तरफ है, ऊपर से एग्जॉस्ट फैन की भी जगह बनाई हुई है। टीवी लाउंज की वेंटिलेशन इस मेन डोर से हो जाएगी। उसके बाद ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन के लिए भी विंडो भी है और साथ में अटैच्ड डोर भी है, और वेंटिलेशन के लिए भी, ऊपर से धूप के लिए भी, ताकि सनलाइट आती रहे। तो दरवाजे के ऊपर इन्होंने जगह रखी है, ये तमाम ही दरवाजों में रखी हुई है इन्होंने। जहाँ जहाँ भी बाहर की साइड पर दरवाजे खुलते हैं ऊपर से धूप के लिए भी स्पेस रखी है। यहाँ पर एक इन्होंने पाउडर रूम दे दिया है एडिशनल। यहाँ पर भी एग्जॉस्ट फैन है तो वेंटिलेशन हो जाएगी, क्योंकि गली के साइड पर जब आप बाथरूम बनाते हैं तो रोशनदान रखना, अगर आप हाइट पर नहीं रखते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए इन्होंने एग्जॉस्ट फैन से वेंटिलेशन दी है। सबसे अच्छी जो एक चीज़ इन्होंने की है वो ये है, साथ वाले घर पर लुक भी करवाई है। वो खैर साथ वालों ने करवाई है, ये चीज़ अच्छी हुई हुई है। साथ वालों ने लुक भी करवाई है ताकि उनकी कोई सीपेज है तो इधर ना आए, इनकी है तो कोई उधर ना जाए। साथ ही में पॉलीथिन शीट भी लगाई हुई है जिसकी वजह से एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी सीपेज यहाँ वहाँ नहीं आई जाएगी। ये चीज़ इस घर वालों ने की हुई है, जो इनके नेबर्स हैं। यही चीज़ इस तरफ देखने में नहीं आती, जो इसके इनके इस तरफ के नेबर्स हैं उन्होंने ना तो लुक करवाई है ना ही पॉलीथिन शीट करवाई है, लेकिन करवानी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी एलिमेंट होता है। यहाँ पर भी देखें कॉर्नर्स को में इन्होंने, जहाँ जहाँ भी कॉर्नर्स हैं, दो दीवारों के जॉइंट्स हैं वहाँ पर इन्होंने कॉलम्स दिए हैं। वो देखें, वो दो दीवारों के जॉइंट पे कॉलम नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है, हर जगह कॉलम्स हैं। और ऊपर लिंटल लेवल पे जहाँ जहाँ भी खिड़कियाँ हैं वहाँ पर इन्होंने बीम्स दी हैं। ये देखें यहाँ पर बीम है, यहाँ पर ये जो टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम का को सेपरेट करने वाली दीवार होती है, कल को आप यहाँ पर सेपरेट करके एक शीशा भी लगवा सकते हैं या वुडन फ्रेम भी लगा सकते हैं, या चाहे तो ऐसे ही खुला रहने दें ताकि इजीली आए जाएं और स्पेस की तंगी ना हो, क्योंकि अगर लगा देते हैं पार्टीशन हो जाती है लेकिन रूम्स बहुत छोटे लगते हैं उससे। यहाँ पर देखें कैसे इन्होंने बीम दी हुई है थ्रू आउट, वेंटिलेशन के लिए मेन डोर है, ऊपर से धूप के लिए भी स्पेस दी हुई है। फर्श को रोड़ा डालने के बाद अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करवाएं ताकि दीवारें कल को बैठे ना, क्योंकि जब लोड पड़ता है फाउंडेशन के ऊपर तो दीवारें बैठने लगती हैं, दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं। कॉम्पैक्टर मशीन यूज़ करने का आमतौर पर पाकिस्तान में ठेकेदार कंस्ट्रक्शन में ट्रेंड नहीं है, लेकिन कॉम्पैक्टर मशीन लगवाना बेहद ज़रूरी है कल को दीवारों को क्रैक्स से बचाने के लिए। सो कॉम्पैक्टर मशीन ज़रूर ज़रूर लगवाएं। दीवारों में क्रैक्स आते ही इस वजह से है क्योंकि घर के नीचे ज़मीन को कॉम्पैक्ट नहीं किया गया होता। जब उसके ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता तब तो वो अपने लेवल पर होती है, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा स्टोरीज या इवन सिंगल स्टोरी का भी समटाइम्स लोड उसके ऊपर डाल दिया जाए तो वो मिट्टी बैठ जाती है। जब बुनियाद बैठ जाती है तो बुनियाद के साथ जुड़ी हुई दीवार का निचली हिस्सा भी बैठ जाता है और ऊपर का हिस्सा, क्योंकि ये साथ वाली दीवारों और लेंटर से जुड़ा होता है तो वो अपनी जगह रहता है, तो बीच में क्रैक बन जाता है। हमेशा घर बनाने से पहले
कंपैक्टर मशीन ज़रूर चलवाएं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ही घर ऐसे इलाकों में बनाए जाते हैं जहां पर ज़मीन की भराई की हुई होती है, मतलब नेचुरली वहां पर मिट्टी नहीं होती, वहां पर फील्ड एरिया होता है। तो फील्ड एरिया होता है तो वो लूज़ सैंड के साथ उसको फिल करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा, इस घर में एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि जो इन्होंने कॉर्नर्स में कॉलम्स बनाए हैं वो चुनाइयाँ करने के बाद इन्होंने बनाए हैं। शुरू में सरिया इन्होंने सरिया खड़ा कर दिया था बुनियादों से निकाल कर, लेकिन उसमें कंक्रीट नहीं की थी, इन्होंने चुनाई पहले की है और वो वाली कंक्रीट कॉलम्स बाद में बनाए हैं। पहले आप बुनियादें और कॉलम्स बनाएं, कंक्रीट कॉलम्स बनाएं, कंक्रीट कॉलम्स का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लें और उसके बाद आप कंक्रीट कॉलम्स के साथ में हुक्स लगाएं ताकि साथ में जब आप चुनाई की दीवारें बनाएंगे तो वो हुक्स में अटक जाएं, एडिशनल फ्रिक्शन पैदा हो। तो हमेशा पहले आप बुनियादें और कॉलम्स खड़े करें, कॉलम बाद में खड़े से पहले खाली RCC स्ट्रक्चर बना लेते हैं। RCC का मतलब होता है खाली कॉलम्स पहले खड़े कर लेते हैं, बाद में चुनाई करते हैं। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप कॉलम की कंक्रीट को बुनियादों की कंक्रीट के साथ ही कास्ट कर सकते हैं कि वो एक यूनिट बन जाता है, दोनों एक ही जुड़े हुई चीज़ बनते हैं। इसको कहते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग टर्म में इसको मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि कॉलम और फाउंडेशन साथ साथ जुड़े हुए हों, इकट्ठे कास्ट हों, इकट्ठी उनकी कंक्रीट हो। जब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है वो एक एलिमेंट के तौर पर काम करते हैं, मजबूती कहीं ज़्यादा हो जाती है। जब आप बाद में कंक्रीट करते हैं तो पहले से बुनियादें तो बन चुकी होती हैं, तो बाद में जो कंक्रीट होगी उसका जॉइंट बन जाएगा बुनियादों के साथ, उसमें उतनी पायदारी नहीं होती, वो दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की तरह से बिहेव करते हैं जब भी उन पर लोड पड़ता है या वाइब्रेशंस होती हैं या बिल्डिंग को किसी भी किस्म के शॉक्स मिलते हैं। यही वजह है कि मैं आपको पहले कॉलम्स बनाने का सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप पहले चुनाई करते हैं और कॉलम्स के लिए सिर्फ सरिया निकाल कर खड़ा कर देते हैं और कॉलम्स आप बाद में फिल करना चाहते हैं, तो ये ज़रूर करें कि चुनाई के जो एंड्स हैं उनमें एक रद्दा आगे तक निकला हुआ हो और एक पीछे हो, फिर एक आगे हो एक पीछे हो, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ताकि जब आप कॉन्क्रीट कॉलम में कॉन्क्रीट की फिलिंग करेंगे तो वो उन एम्प्टी स्पेसेस को फिल कर ले। उससे ये होगा कि कॉलम और कंक्रीट की एक की एंड लॉक सिस्टम बन जाएगा। बाद में घर में कोई भी वाइब्रेशंस होती हैं, खुदा न खास्ता जलजले की वजह से या कुछ भी, तो ये जो की एंड लॉक सिस्टम होता है ये दीवारों को गिरने से बचाएगा। फाउंडेशन आप जितनी अच्छी बनाएंगे आपको लगेगा शायद आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि कल को आपको वो बहुत सारे ओवर एक्सपेंसेस से बचाएगा। और एक दफ़ा जब आप मेहनत से घर बनाते हैं तो उसमें पायदारी होगी। अब ये ठेकेदार को इन्होंने एक स्टोरी का दिया हुआ था, अब ये सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ये लेंटर डालेंगे, उसके बाद एक स्टोरी मुकम्मल होगी। 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर ठेका लिया था ये ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए। ठेके का जो रेट तय हुआ था वो 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट था विदाउट मटीरियल। मटीरियल तकरीबन 3.5 लाख रुपये का लग गया बुनियादों और ग्राउंड फ्लोर पर, और इसके बाद लेंटर डालने में 4 लाख मजीद लगने का एस्टिमेट है। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा जैसे जैसे ये घर बनेगा। इसकी एक फॉलो अप वीडियो भी बनाऊंगा मैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा स्टेज 0 से लेकर इस स्टेज तक ये घर कैसे पहुंचा, मैं वो सारी स्टेजेस आपको दिखाऊंगा, साथ साथ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। पोर्च में वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये भी जितना बड़ा बना सकें उतना बड़ा बनाएं कल को, ताकि अगर पानी नहीं भी है टैंकर्स भी डलवाने पड़ते हैं तो एटलीस्ट एक टैंकर डलवाने की स्पेस हो। यहाँ पर एक और चीज़ गौर तलब है, वो ये है कि मेन डोर के साथ ये किचन है। किचन इन्होंने टीवी लाउंज से बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, दरवाजे के साथ यहाँ पर पूरी दीवार दी हुई है। ये ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ कि जब आप इसमें शेड और कैबिनेट्स वगैरह बनाएंगे तो किचन काफ़ी छोटा हो जाएगा, या छोटा आपको ऑल दो काम करने के लिए तो स्पेस पूरी ही होगी लेकिन देखने में थोड़ा छोटा छोटा लगेगा, ख़ास तौर पे क्योंकि बंद है ऊपर तक। आजकल किचन हुड्स आए हुए हैं तो सारा खाने का जितना भी स्मोक और धुआं वगैरह होता है वो वैसे ही खींच के निकाल देते हैं। अच्छा सा किचन हुड लगवाएं और ये दीवार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ
4 फुट की दीवार बनाएं, उसके ऊपर मार्बल का शेड दें ताकि किचन से कोई चीजें टीवी लाउंज में देनी हो तो इजीली उसके थ्रू दी भी जा सके। उस दीवार के वो जो आप 9 इंच की दीवार बनाएंगे ऊपर मार्बल रखवाएंगे, साथ में चेयर्स भी रख सकते हैं, तो ये डाइनिंग एरिया भी छोटा सा बन सकता है बच्चों के लिए या कोई जल्दी खाना चाहे बनते साथ उसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के घर ज़्यादा खुला और खूबसूरत लगेगा अगर आप ये वाली दीवार नहीं बनाएंगे, इसकी बजाय सिर्फ 4 फुट की दीवार बनाएंगे। आप वहाँ से बैठ के किचन का सारा इंटीरियर डेकोर देख सकते हैं, किचन से सब मतलब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी, तो सारी स्पेस ज़्यादा खुली खुली लगेगी। जब किचन हुड लग जाता है और स्मोक और धुएं उस खाने की स्मेल्स का इशू नहीं है तो फिर इस दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना खर्चा भी बचाएं ये एडिशनल ईंटें ना लगवा के तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका घर। बाकी 5 मरले के घर का आमतौर पर यही नक्शा होता है, इससे ज़्यादा कोई करेगा तो स्पेसेस बहुत छोटी हो जाएंगी। 2 कमरे होते हैं नीचे, ये किचन है, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, 2 बाथरूम्स और पाउडर रूम, बस यही कुछ होता है। ये आमतौर पे उस तरह के 5 मरले के घरों का नक्शा है जिसमें लोगों ने खुद नीचे रहना होता है, ऊपर से बिल्कुल सेपरेट सीढ़ियों की एंट्रेंस देके और किराए पे लगाने का इरादा रखते हैं ऊपर का, तो इस तरह से नीचे का एक पूरा यूनिट बन जाता है, 2 कमरों के साथ कंप्लीट हो जाता है। इसमें ये बाहर से सीढ़ियां देंगे ऊपर वाले पोर्शन में जाने के लिए ताकि किराएदार बिल्कुल सेपरेटली जा सकें, लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं और किराएदार रखने का इरादा नहीं रखते तो फिर आप नीचे सिर्फ 1 रूम बनाएंगे और ऊपर 2 या 3 जैसे आपकी मर्जी हो कमरे बना सकते हैं। नीचे सिर्फ 1 कमरा होगा तो आप इतना बड़ा ये इसको किचन कर सकते हैं, ये सारा आपका टीवी लाउंज हो जाएगा, वो ड्राइंग रूम हो जाएगा, आपकी स्पेस काफ़ी खुली हो जाती है। नीचे सिर्फ आप 1 कमरा बनाते हैं जब आप फिर अपने लिए बनाते हैं। लेकिन एक गलती इन्होंने की है, ये जो बाहर का पाउडर रूम या बाथरूम एक्स्ट्रा बनाया है इसका एक दरवाज़ा इनको बाहर की तरफ देना चाहिए था ताकि कोई बाहर से ही जाके तो वॉशरूम यूज़ कर सके, अब उसको यूज़ करने के लिए ऑल द वे घर के अंदर से जाना पड़ेगा। तो अगर बाहर आप कोई वॉशरूम या पाउडर रूम बनाए इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाहर की तरफ भी एक दरवाज़ा दें। एक और इम्पोर्टेंट टिप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम करता था, मैंने दुबई में भी काम किया है कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ, तो ईमार का ये स्टैंडर्ड है, ईमार शायद आप जानते हो दुबई की सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक है, तो वो ये करते हैं जहां पर भी जॉइंट आ रहा होता है कॉन्क्रीट और चुनाई का वहां पर प्लस्तर करने से पहले एक वायर मैश लगाते हैं, जैसे एक वायर मैश यहाँ पर लगेगी, एक वायर मैश यहाँ पर लगेगी, इसी तरह से दीवारों में से जो पीपीआर पाइप्स जा रहे होते हैं वो वहाँ पर छेद किया हुआ होता है ताकि वो गुजर सकें, उस पीपीआर पाइप के ऊपर प्लास्टर करने से पहले वो वायर मैश लगाते हैं।